गुड मॉर्निंग आर के विज्ञान पीजी ऑनलाइन क्लास सभी छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम MM पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अरस्तु का जो जीवन परिचय और अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, आज हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। तो निश्चित तौर पर अरस्तु ने राज्यों को एक संभावित संस्था बनाया और राज्य को एक संभावित संस्था माना है। और निश्चित तौर पर अरस्तु ने कहा कि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए राज्य की संस्था होनी जरूरी है। सर्वांगीण विकास व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होना, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराने चूर्ती है। तो निश्चित तौर पर ये दो कारण है कि अरस्तु ने राज्य का विकास व्यक्तियों के स्वामी विकास के लिए और आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए या मनुष्य के द्वारा मनुष्यों को आवश्यक वस्तुएं की पूर्ति कराने हेतु राज्य का विकास किया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता से होती है। जीवन की जो आवश्यकता होती है, इस आवश्यकता की वजह से राज्य का जन्म हुआ है। अपनी दैनिक आवश्यकता को जुटाने के लिए, एक जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अपने इस पांच तत्वों को जो मनुष्य का जो ढांचा बना है, इसको अधिक सुंदर करने के लिए, इसको और पारंपरिक बनाने के लिए और सामाजिक बनाने के लिए निश्चित तौर पर समाज के व्यक्तियों की, समुदायों की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। इस समुदाय द्वारा ही व्यक्ति आत्मनिर्भरता व पूर्णता को प्राप्त करता है। राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि महत्वपूर्ण कार्य क्या है, राज्य का व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना। निश्चित तौर पर राज्य रूपी जो ढांचा है व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी करता है। आत्मनिर्भर एवं पूर्णता से प्राप्त करता है। राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। अरस्तु के अनुसार सर्वप्रथम परिवारों की स्थापना होती है। परिवारों से गांव, गांव से नगर, नगर से राज्य, राज्य व्यक्तियों का अंतिम और श्रेष्ठ समुदाय है। अतः राज्य परिवार और गांव का ऐसा समुदाय है जिनका उद्देश्य पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना है। परिवार से समुदाय, समुदाय से गांव, गांव से नगर और नगर से राज्य, और राज्य का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना व पूर्ण विकास करना, ये राज्य का कार्य। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं अरस्तु राज्य संबंधी सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है
की व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करे और सर्वांगीण विकास के साथ साथ व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता के साथ साथ वो अपना पूर्ण विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है, राज्य से बाहर नहीं है। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं राज्य संबंधी विचारों में पहला विचार है राज्य की उत्पत्ति। वह देखिए राज्य की उत्पत्ति में राज्य संबंधी विचार में पहला विचार है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति तो राज्य की उत्पत्ति अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और पूर्ण विकास करे और व्यक्तियों का सामूहिक विकास करे। उसी क्रम में हम ये कह सकते हैं कि राज्य की विशेषता है। पहली विशेषता देखिए राज्य की विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो निश्चित तौर पर अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। उसका कहना है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए एवं उनके स्वामी विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। राज्य के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। उन्होंने कहा, अरस्तु मौर्य ने कहा, राज्य के बाहर रहकर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। जो व्यक्ति राज्य में है राज्य में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है और अपने आधारभूत सुविधाएं जुटा सकता है। जो व्यक्ति राज्य से बाहर है, जिन व्यक्तियों को राज्य की आवश्यकता नहीं होती है, वो या तो देवता है या पशु है। तो निश्चित तौर पर अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है। दूसरी कड़ी में हम यह कह सकते हैं राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति का पूर्व का संगठन। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से पहले हो चुका है। व्यक्ति का विकास राज्य में हो सकता है, राज्य से बाहर नहीं है, क्योंकि राज्य में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और व्यक्ति की जो चार पुरुषार्थ है, उन चार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब तीनों प्रारंभिक जो पुरुषार्थ है तीन, वो सही समय में करेंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा होती है मोक्ष वो प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मनुष्य ने चार आश्रम व्यवस्था बताई, उनकी आयु चार आश्रमों की आयु 100 वर्ष बताई गई। 100 वर्ष का निर्धारण किया, 1 से 25 ब्रह्मचर्य, 26 से 50 ग्रस्त, फिर 51 से 75 वानप्रस्थ और सॉरी संन्यास और फिर लास्ट में है वानप्रस्थ। तो निश्चित तौर पर यह अवस्था बताई गई तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है। दूसरी कड़ी में हम देखेंगे कि अरस्तु का कहना है कि राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग बनता है। इसलिए राज्य व्यक्ति से पहले है, समय की दृष्टि से परिवार पहले है। परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अगला पॉइंट देखिए, राज्य सर्वोच्च समुदाय।
कहने का अभिप्राय अरस्तु कहता है कि राज्य से बढ़कर और कोई समुदाय नहीं है, सबसे श्रेष्ठ समुदाय राज्य ही है। तो इसके लिए अरस्तु मौर्य ने कहा कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य करती है, राज्य के अधीन होती है। ये सब संस्थाएं मनुष्य की समस्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। राज्य की एक मात्र ऐसी राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकता की पूर्ति करता है। और इन सब संस्थाओं का अपना अपना लक्ष्य होता है, लेकिन राज्य का लक्ष्य नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना है। अतः राज्य ही सर्वोच्च समुदाय है। कहने का अभिप्राय चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कोई समुदाय है तो वो राज्य है। राज्य में ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ संस्था है। अगली कड़ी में हम कहेंगे कि राज्य एक राज्य का सब जैविक है, राज्य का सब जैविक है। अगला कहेंगे राज्य का स्वरूप राज्य का जो गठन हुआ है वो समुदायों से बना है। निश्चित तौर पर ये जैविक है, राज्य का स्वरूप क्या जैविक सब समुदायों में श्रेष्ठ है। तो हम ये कह सकते हैं अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका जैविक स्वरूप है। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहते हैं, राज्य को क्या कहते हैं, समुदायों का समुदाय। कहने का मतलब सबसे श्रेष्ठ संस्थान है। आता है कभी कभार तो समुदाय समुदाय का समुदाय कहता है उसने राज्य की तुलना शरीर और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। राज्य की तुलना किससे की है, राज्य की तुलना शरीर से, राज्य की तुलना शरीर से, राज्य की तुलना किससे की है, शरीर से की है। और शरीर व्यक्ति की तुलना हाथ से की है, और व्यक्ति की तुलना निश्चित तौर पर राज्य क्या शरीर और व्यक्ति क्या है, अंग है। शरीर से और व्यक्ति की तुलना आज जैसे अंग से की है। उसने कहा कि जिस प्रकार शरीर की किसी एक अंग में अत्यधिक गति होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण राज्य का अस्तित्व को खतरा पड़ जाता है। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि राज्य समुदाय का समुदाय है, राज्य का स्वरूप जैविक है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का संतुलन अगर गड़बड़ हो जाता है, राज्य का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस प्रकार से शरीर जिस प्रकार से जो शरीर है, शरीर में अगर एक एक काम नहीं करता है तो उसका भार दूसरे अंग पर पड़ता है और धीरे धीरे उसकी स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। धारा प्रवाहित होगी तो वो ज्यादा होगी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने राज्य का जैविक माना है, समुदायों में समुदाय माना है। और राज्य का जो रूप है निश्चित तौर पर राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, राज्य से बाहर नहीं है। इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था, राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था, राज्य एक आत्मनिर्भर अरस्तु मौर्य ने राज्य को एक आत्मनिर्भर संस्था माना है। और राज्य में लेकर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। इसमें देखिए कि अरस्तु के अनुसार आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि वह अपनी आवश्यक
करता है। राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति है जो किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता पर निर्भर हुए बिना मानव का पूर्ण विकास कर सके। तो कहने का अभिप्राय यही है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। उसके बाद में राज्य की विविधता में एकता, राज्य की विविधता में एकता, राज्य की विविधता में एकता। तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के अनुसार राज्य का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलने से ही होता है। जिस प्रकार मधुर संगीत विभिन्न रागों और तालों से बनता है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार से ही होता है। तो कहने वाला राज्य का संगठन, राज्य का जो आधार है वो उसमें बहुत से तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। उसी कड़ी में हम ये कहेंगे कि राज्य एक क्रमिक विकास, राज्य का क्रमिक विकास, राज्य का जो पद है, राज्य वर्तमान में जिस अवस्था में वो आया है वो पद सोपान के द्वारा है आया है। कहने का मतलब राज्य का एक क्रमिक विकास हुआ है। तो हम कह सकते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलने से ही होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। व्यक्ति, परिवार, ग्राम, इसके अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनका क्रमिक विकास होता रहता है और अंत में पूर्ण रूप से ही विकसित हो जाने पर राज्य का निर्माण होता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण, राज्य का क्रमिक विकास होना, परिवार, कबीले, समुदाय से गांव, गांवों से नगर, नगरों से राज्य, ये क्रमिक विकास हुआ है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं संविधान राज्य की पहचान, संविधान राज्य की पहचान, राज्य की पहचान। निश्चित तौर पर अरस्तु ने संविधान को राज्य की पहचान माना है। उन्होंने कहा अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन समान ही है। अब राज्य और शासन में भेद, अरस्तु ने राज्य और शासन में भेद माना है। अरस्तु के अनुसार राज्य और समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, जबकि शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। तो हम यही कहेंगे कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक संस्था होने के साथ साथ व्यक्ति का पूर्ण विकास का संगठन है। उसके बाद में राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का सर्वोच्च जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य की विविधता में एकता है। राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। तीसरा वर्ग संविधान राज्य की पहचान है। अगली कड़ी में हम यही कहेंगे कि अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।